हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। फ्रेंड्स, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा एलएलबी फर्स्ट ईयर और एलएलएफ फर्स्ट ईयर में दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर में सिटीजनशिप एंड स्टेट और सीएए 2019 एक जैसा टॉपिक दिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में ब्रीफ में जानने की कोशिश करें। सिटीजनशिप या स्टेट, जो स्टेट है, स्टेट के में स्टेट को कहा जाता है कंट्री। आप स्टेट को कंट्री कह सकते हैं और कंट्री के जो एक लक्षण होते हैं स्टेट के, स्टेट की एक निश्चित टेरिटरी होती है। टेरिटरी एक उसकी निश्चित पॉपुलेशन होगी और उसमें एक गवर्नमेंट होगी, चाहे वो किसी भी किस्म की हो सकती, चाहे वो डिक्टेटरशिप वाली हो, दूसरी हो, एनार्की हो, मोनार्की हो, और उसका फिर होगी वो सोवेरियन होनी चाहिए, यानी संप्रभु हो, उसके ऊपर और किसी का हुक्म ना चलता हो। यदि ये लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो उसको स्टेट या कंट्री कहा जाता है। फिर आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस होता है जो कोई स्टेट अपने नागरिकों को देता है, यानी उस सिटीजनशिप स्टेटस से ये माना जाता है कि वो नागरिक जो हैं, जो पीपल हैं, वो उस स्टेट के बशिंदे हैं, उसके रहने वाले हैं, उस नेशन के वो निवासी हैं। जब हमारा पासपोर्ट जारी होता है तो पासपोर्ट इस चीज की गारंटी देता है कि हम उस देश के निवासी हैं, उस देश के सिटीजन हैं। यही सिटीजनशिप और स्टेट में फर्क होता है कि स्टेट एक एक फिजिकल है, एक दिखने वाली फिजिक चीज है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप एक वर्चुअल स्थिति होती है, एक लीगल स्टेटस होता है। आइए इसके बारे में और आगे चलते हैं। शॉर्ट में जिसको सीएए कहा जाता है उसका मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो वैसे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये ऐसा नागरिकता अधिनियम 1955 है जो हमारे देश में 1955 से लागू है, और ये हमें अपने देश में या विदेशियों को हमारे देश में नागरिकता प्रदान करने के तरीके बताता है, अधिकार देता है कि किस तरह से कोई नागरिक भारत में नागरिकता प्राप्त करता है। और इसमें विभिन्न तरह के बहुत समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जो लास्ट संशोधन हुआ था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था, और ये किस तरह का था इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और आपके कोर्स में शामिल किया गया है, और आपको इसमें जानना है कि इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके फिर फ्यूचर में क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो इसको जानने के लिए थोड़ी चीजें और जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जी डिटेल में समझ आए। तो आइए चलें, कुछ चीज जानें। जस सोलाई, जस सैंग्विनिस एंड जस मैट्रिमोनाई, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी देश में, पूरी दुनिया में, हर देश में नागरिकता प्राप्त करने के ये तीन तरीके हैं जिस वजह से या जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी देश में अपने या दूसरे में नागरिकता प्राप्त करता है। जो सोलाई जो है वो निकला है सोइल से, सोइल का मतलब होता है मिट्टी। जो सैंग्विनिस होता है ब्लड लाइन, जिसमें हमारे माता पिता रहते हैं, यानी आपके माता पिता जिस देश के नागरिक हैं, बच्चों को भी उस देश का नागरिक माना जाता है, जिसे जस सैंग्विनिस कहा जाता है। और तीसरा होता है जस मैट्रिमोनाई, यानी मैरिज के द्वारा। यदि एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से शादी कर लेता है तो वो दूसरे देश में उसको वैध नागरिकता कायदे पूरे करने के बाद मिल जाती है, जिसे जस मैट्रिमोनाई कहते हैं। ये तीन तरीके हैं जो किसी भी देश में नागरिकता इनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं, जैसे
कुछ देश कहते हैं कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे देश में खरीदो, बहुत सारे जो अमीर लोग हैं बहुत ही, उनको दूसरे देश ऑनरेरी सिटीजनशिप भी दे देते हैं, तो वो थोड़ी अलग चीजें हैं। फिर आता है CAA शब्द, आपने सुना होगा, CAA का मतलब वही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और दूसरा है NRC, NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि जब हमारा देश बना था, भारत पाकिस्तान दो हुए, तो 1951 में देश के सभी नागरिकों का डेटा बनाए रखने के लिए या उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये कार्रवाई शुरू की थी। यानी सब लोगों को एक रजिस्टर में या रजिस्टरों में दर्ज किया जा रहा था उनके नाम पते, उसी को नेशनल रजिस्टर कहा गया और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कहा गया। और ये आपके संविधान के आर्टिकल 6 और 8 में भी इस चीज को कहा गया है, उसी को NRC कहा गया है। इसको डिटेल में फिर अपने चलेंगे आगे। अब देखते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से 11, वो नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है कि किसी देश नागरिक को नागरिकता कैसे मिलेगी। हमारा संविधान जो था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उससे पहले 26 नवंबर 1949 को वो अडॉप्ट कर लिया गया था, और कुछ पार्ट्स लागू हो गए थे उसके कुछ हिस्से। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो संविधान लागू होने के दिन से पहले भारत के क्षेत्र में रह रहा है, भारत का क्षेत्र उसको वो माना गया है जो ब्रिटिश इंडिया में था, जो आज का पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारा तब ब्रिटिश इंडिया था, और पूरे एरिया में कहीं भी कोई व्यक्ति जो रह रहा था या वहां रह रहा था या वहां वो पैदा हुआ था या उसके, ये 3 तरीके देखे बताए हुए हैं, वो उस एरिया में पैदा हुआ, उसके माता पिता उस एरिया में पैदा हुए, या फिर उससे पहले वो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो उस एरिया में रह रहा हो, तो इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो यूरोपियन थे, ब्रिटिश थे या दूसरे देशों से आने वाले लोग भी, यदि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से इस क्षेत्र में रह रहे थे, ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे, और संविधान लागू होने के बाद वो भारत का हिस्सा बन गए, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई थी ऑटोमेटिक से। ये इस आर्टिकल 5 इसमें प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल 6 कहता है कि वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए, अब यहाँ पाकिस्तान किसको कहा जाएगा? पाकिस्तान का मतलब ये है कि पहले पूरा इंडिया एक था, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी पहले भारत ही था, तो उस पूरे इलाके से कहीं से भी जो लोग उठकर आ गए, हमारे आपके बहुत सारों के दादा या माता पिता आज के भारत में आकर बसे हैं, वो सारे लोग जो वहां से आकर बसे हैं वो सारे लोग फ्रॉम पाकिस्तान कहा गया, और इसलिए वो भी भारत के नागरिक माने गए। आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हैज टर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट। यह आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो पहले इस हिस्से में रहते जो आज का भारत है, लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम बन गया और दो टुकड़े देश के होने की घोषणा हुई, तो बहुत सारे लोग इस तरह से एक दूसरी जगह पे जाने लगे जहां उनकी रिश्तेदारियां थी, कुछ लोग रहते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज के भारत से आज के पाकिस्तान की ओर चले गए, चाहे वो बांग्लादेश को गए या फिर पश्चिमी पाकिस्तान, जो भारत है जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसकी ओर चले गए और वहां वो रहे। लेकिन उसके बाद, वहां रहने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि हमें वापस आज के भारत में जाना चाहिए, और वो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत वापस लौट आए, और वापस लौटते समय उन्होंने
अपनी एंट्री करवाई, यानी अपने आप को सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवाया, और ये उनका मानना था कि वो अब सदा के लिए इंडिया वापस आ गए हैं। तो इसलिए आर्टिकल 7 ऐसे लोगों पर लागू होता है कि जो भारतीय थे या भारतीय क्षेत्र में रहते थे, पाकिस्तान चले गए और वहां साल दो साल रहने के बाद 19 जुलाई 1948 को वो लोग वापस भारत आ गए, यानी कह सकते हैं सुबह का भूला शाम को गरागर, वो लोग भी फिर इंडियन सिटीजन कहलाए। तो यहाँ ये है कि ये 19 जुलाई 1948 की तारीख देने का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था वो 18 जुलाई 1947 को उस पर साइन हुए थे ब्रिटिश एम्परर के, और वो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो उस डेट से एक साल बाद में ये माना गया कि 19 जुलाई 1948 वाली जो डेट जो वहां रखी गई, इसलिए उस डेट को जो चेक डेट माना जाता है। तो आर्टिकल 7 ऐसे लोगों पर है जो भारतीय थे, पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर बाद में आ गए, और उन्होंने आते समय खुद को रजिस्टर करवाया था, अपनी सूचना दी थी कि हम वापस आ चुके हैं, उनका नाम नेशनल रजिस्टर में दर्ज किया गया था, वो आर्टिकल 7 में आते हैं। आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भारतीय थे, ब्रिटिश भारत में रहने वाले थे, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान आज का सब वहीं कहीं रहने वाले थे, किसी भी कास्ट और क्रीड के थे वो। तो ऐसे लोग जब देश आजाद हुआ, देश के दो टुकड़े हुए, तो वो लोग भारत से बाहर किसी तीसरे देश में रह रहे थे, चाहे वहां नौकरी करने के लिए गए थे या किसी की शादी हो गई थी या वो ब्रिटिश फौज के अंदर काम कर रहे थे या वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त वो मौजूदा भारत और पाकिस्तान से दूर थे। तो उन लोगों को जब आर्टिकल हमारा ये जो संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान में ये प्रावधान रखा कि ऐसे लोग जहां कहीं भी रह रहे हैं, यदि वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो या तो वो भारत में आके खुद को नेशनल सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवाएं, जिसको NRC कहा जाता है, और या फिर वो वहीं अपने देश उसी देश में रहते हुए भारत की किसी एम्बेसी या काउंसिल या जो प्रतिनिधि भारत के वहां सरकारी दफ्तर हैं वहां वो अपना नाम दर्ज करवा दें इस रूप में कि हम भारत के नागरिक हैं और हम भारत में एक दिन लौट कर जाएंगे, हमें भारत के नागरिक माना जाए। तो ये आर्टिकल 8 में उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया था। तो इसको जस सैंग्विनिस और जस सोलाई दोनों के रूप में आप इसको मान सकते हैं, इस तरह से आर्टिकल 8 है। तो आर्टिकल 6 से 8 में NRC वाला टॉपिक आता, आप इसको समझ सकते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि जो लोग भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में चले गए और अपनी इच्छा से उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, उन लोगों की नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी, यानी ये भारत से नागरिकता खत्म करने का प्रावधान देता है। आर्टिकल 10 वो है कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ये उन लोगों के लिए है जो ब्रिटिश भारत में रह रहे थे और आज के भारत में रह रहे हैं, जो यहीं पैदा हुए, यहीं के रहने वाले थे, ना कहीं आए ना कहीं गए, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं करना था, वो जहां थे वहीं रहे और वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक माने गए, कंटिन्यूसी ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो इसलिए ये है कि जस सोली के आधार पर उनको नागरिक माना गया, उनको कुछ भी नहीं करना था, वो जैसे थे वैसे के वैसे नागरिक बने रहे। तो मूल जो प्रावधान है वो आप देखेंगे कि 6 से 8 तक तीन ही, 5 से 8 तक, 5, 6, 7 और 8 चार आर्टिकल्स हैं जो नागरिकता देते हैं। 9वां खत्म करता है, 10वां मूल रूप से उनके लिए बताता है, और आर्टिकल 11 जो कहता है, ये कहता है संविधान का कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बना दिया तो आर्टिकल 11 जोड़ा गया, उन्होंने कहा कि हमने जो प्रावधान थे सिटीजनशिप के वो आर्टिकल 5 से 10 तक में हमारे अनुसार हमने उसमें तय कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद जब देश में पहली सरकार होगी, चुनाव होंगे, सरकार होगी, संसद बनेगी, तो संसद अपनी इच्छा से नागरिकों को नागरिकता देने के लिए कानून बना सकेगी,
और वो ऐसा कोई भी कानून बनाएगी, यदि वो कोई अच्छा कानून बनाती है तो संविधान के ये जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 से 10 तक, ये उसको किसी तरह से बंदिश नहीं लगाएंगे, उसको कोई उसकी शक्ति को कम नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 11 ने कहा है। और इसी से शक्ति लेते हुए फिर जब देश में पहले आम चुनाव हमारे यहाँ 1952 में हुए, तो 1952 के बाद पहली सरकार बनी, तो पहली सरकार ने जो कानून बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो तब से आज तक चला आ रहा है, और उसमें फिर समय समय पर संशोधन होते रहे, और उसमें जो बड़ा जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 2019 में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कुछ हद तक ये इम्पोर्टेंट है, इसके कुछ बातें हैं, इसीलिए ये आपके कोर्स में इसको शामिल किया गया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में CAA 2019 कह सकते हैं, वो वर्तमान जो सरकार है, इसी की पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे बीजेपी के, तो बीजेपी सरकार ने जब ये बीजेपी गवर्नमेंट बनना चाहती थी 2012-13 में, तो शुरू से ये एक हिंदुत्ववादी इनका एक लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, इसको आप राजनीति में अन्यथा मत लें, आप समझे और समझने के बाद अपना व्यू कायम करें, क्योंकि वो सरकार का एक, उन लोगों का एक पार्टी का व्यू है। तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि जब यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती है तो हम ऐसे तमाम जो नॉन मुस्लिम है, जो दूसरे देशों में है और जिनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, यदि वो चाहेंगे तो हम उनको भारत में नागरिकता देंगे। और उसी मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को पूरा करते हुए पहले ये 2014 में भी इन्होंने ये लाए थे एक इसी तरह का बिल, लेकिन वो बिल फिर कमेटी के पास चला गया और उसके बाद फिर ये जो पहली सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया तो वहाँ पूरा नहीं हुआ। तो जब दूसरी बार मोदी चुने गए 19 में, तब ये लोग फिर नया बिल लाए थे। तो जो नया बिल, जो CAA बिल आया था, वो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हो गया, 11 दिसंबर को वो राज्यसभा में पास हो गया, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति मोदी ने उस पर अपनी सहमति दे दी। और उसी दिन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, जिसको कहा जाता है, एक मंत्रालय है, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये जो एक्ट है ये 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा, यानी संशोधित अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 2019 जो है वो 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो हमें पढ़नी है और इसमें क्या किया गया, तो मूल रूप से इन्होंने जो इसमें ये कहा था, इसकी जो एक्ट जो था सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसकी सेक्शन 2 में प्रोविजन किए और भी किए, तो इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन दो देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 जातियों के लोग यदि वहां रह रहे हैं और वहां उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं, वो किसी कारणों से प्रताड़ित हैं, तो वो यदि भारत में आ जाते हैं और 31 दिसंबर 2014 से भारत में आ चुके थे, और भारत में आने के बाद चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट से आए, पासपोर्ट से आए, फॉरेन एक्ट से आए, वैध से आए, और यहाँ आने के बाद उनका जो वैलिडिटी थी डॉक्यूमेंट्स की, वीजा खत्म हो गए या किसी और कारण से हुआ, और यहाँ उन आधारों पर उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, यानी सामान्य कोई नागरिक यदि दूसरे देश में जाता है और उसका वहाँ वीजा खत्म हो जाए या वो किसी और तरह से आए तो उसको इलीगल माना जाता है, लेकिन इन दो देशों के 6 जाति के नागरिकों को इलीगल नहीं माना जाएगा, ये एक्ट कहता है। तो इस तरह से इस एक्ट को दूसरे लोग ये मानते हैं कि ये सही नहीं था, क्योंकि ये दूसरों को छूट नहीं देता था, केवल इन 6 लोगों को, 6 जाति के लोगों को, 6 धर्मों के लोगों को ही छूट देता था। और 2016 में इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया गया। तो अब जो कुल है वो है कि यदि इन 3 देशों से आने वाले 6 नागरिक हैं, 6 नागरिक हैं नागरिक अधिनियम के अंतर्गत, जो नागरिक जो
रह रहे हैं उनको यदि यहाँ मान्यता नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ एक और भी किया इन्होंने कि सामान्यतः हमारे देश में यदि किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता लेनी है तो उसको कम से कम 14 वर्ष का भारत में रहना होना चाहिए और 14 में से 11 वर्ष वो भारत में रहना चाहिए, और जब वो एप्लीकेशन लगा रहा हो तो उसको कम से कम 12 महीनों से लगातार भारत में निवासी होना चाहिए। लेकिन इन जो 3 देशों के 6 प्रकार के नागरिकों के लिए उस टर्म को 5 वर्ष कर दिया गया। तो और उस टर्म को जब ये एक्ट लागू हुआ शुरू हुआ 2014 में, तो 31 दिसंबर 2014 की डेट रखी गई और इसको 2019 में एक्ट को लागू माना गया और 2020 से इसके प्रावधान हो गए। तो यानी जब तक ये पूरा होता है उसकी 5 साल की टर्म पूरी हो जाती है, यानी जिस दिन एक्ट ये लागू होता है यदि वो नागरिक अप्लाई करते हैं तो उसी दिन से उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा शर्तें पूरी करने के बाद। तो यहीं से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई क्योंकि इसमें मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया गया, मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया। तो इस पे जब कंट्रोवर्सी हुई तो भारत सरकार के गृह मंत्री ने या दूसरों ने कहा कि जो तीनों देश हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश वो मुस्लिम बहुल देश हैं और वहाँ मुस्लिम लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं माने जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ मुस्लिम लोगों के लिए इसमें प्रावधान नहीं रखा। लेकिन फिर भी यदि उन तीनों देशों से कोई भी मुस्लिम आता है और अपनी यहाँ एप्लीकेशन लगाता है तो एज पर लॉ उसको नागरिकता दी जाएगी। और ये कुछ हद तक सही भी है कि एक तस्लीमा नसरीन है लेखिका बांग्लादेश की, बहुत सालों से भारत में रह रही हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के एक फेमस गायक हैं अदनान सामी, उनको भारत की नागरिकता दी गई है, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों को दी गई है। तो भारत सरकार का इस पे ये वर्जन है, ये उनका रिबटल है। तो ये हुए इसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ CAA 2019 जो हमें पढ़ना था कि बेसिक कंसेप्ट क्या थे। तो इसकी सेक्शन 3 से 10 तक में इन्होंने संशोधन करके ये प्रावधान बनाए हैं कि ये इनको इन 6 3 देशों के 6 नागरिकों को इसमें फायदा मिलेगा। तो इस पे इतनी कंट्रोवर्सी फिर क्यों हुई? तो NRC की बात हमने कही थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब ये जब 1951 में NRC में ये कहा गया था कि पूरे देश के नागरिकों का रजिस्टर किया जाएगा और सबका उसमें सिटीजनशिप के बारे में उनको उसमें शामिल किया जाएगा और उनका एक डाटा बनाया जाएगा, लेकिन शेष भारत में ये बहुत थोड़े समय से रहा और बाद में इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन यदि हम देखें पूर्वोत्तर भारत में जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये मैप देखें, अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बांग्लादेश है, कभी ये पूर्वी पाकिस्तान होता था और यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का है ये हमारा बाकी हिस्सा है, यहाँ दूसरे नहीं दिखाए। तो ये जो है बांग्लादेश, इसको 3 तरफ से भारत ने घेर रखा है और एक तरफ यहाँ ये समुद्र है। अब बांग्लादेश की ऐसी स्थिति है कि बांग्लादेश के लोग बंगाली बोलते हैं, मुस्लिम बहुल है और इनका कल्चर भी यहाँ के आसपास से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ से लोग बॉर्डर की कमजोरी या दूसरी चीजों से ये पश्चिम बंगाल में भी आ जाते हैं, दूसरों में भी आते हैं और सबसे ज्यादा ये असम की तरफ निकलते हैं क्योंकि असमी भाषा बोलते हैं और असम जो राज्य है ये यहाँ बड़ा राज्य है। इन सभी को 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। तो असम इनमें एक बड़ी स्टेट है, ये देश की आजादी के समय ही ये एक राज्य बन चुका था। तो असमी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग मुस्लिम नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारी भाषा है, हमारी पहचान है, हमारा एक रिलीजन है, नेटिवनेस है, एथिनोलॉजी है, तो एथनिसिटी है, और हमें उसको संरक्षित करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि असम में दूसरे देशों से दूसरे राज्यों से कोई लोग किसी तरह की घुसपैठ ना करें, तो इसलिए इनको रोका जाए। तो यहाँ ये संघर्ष जो है वो अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है। तो इसलिए इस जो एरिया है जो नीचे वाला एरिया, इसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट एक एक स्थिति है कि यदि हम भारत के लोग या दूसरे लोग भी यदि सिक्किम के बाद यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको असम और मेघालय को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, शिलांग, मणिपुर,
जाने के लिए आपको यहाँ परमिट लेना होता है, और उस परमिट के बिना आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। उसी को इनर लाइन परमिट कहा जाता है, लेकिन असम और मेघालय जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है, वहाँ लोग वैसे भी जा सकते हैं। और इन चीज़ों पे और दूसरी चीज़ों पे यहाँ बहुत समय से, पिछले लगभग 100 सालों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि 1985 के लगभग केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और असम की गवर्नमेंट और वहाँ के कुछ लड़ाकू संगठन जो बने थे, जिनमें एक है AASU, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको असू कहा जाता है, और दूसरी है ऑल असम गण संग्राम परिषद। इन चारों के बीच में 1985 में एक एकॉर्ड हुआ, जिसको समझौता कहा जाता है। उस समझौते के मुताबिक ये कहा गया कि पूरी तरह से NRC लागू किया जाए, यानी वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप उनकी रजिस्टर की जाए, उनको दर्ज किया जाए, उनकी पहचान की जाए, और उसमें जो फालतू लोग हैं जो बाहर से घुसे हुए हैं, जिसको इंट्रूडर्स कहा जाता है, और माना जाता है कि वो ज़्यादातर बांग्लादेशी या दूसरे देशों से आए हुए हैं, या उसके मिजोरम के हैं, उसके बर्मा के हैं, तो बर्मादेशी और बांग्लादेशी दोनों को घुसपैठ ये मानकर उनको हैव टू बी एक्सपेल्ड, उनको बाहर निकाला जाए, ऐसा समझौता 1985 में राजीव गांधी के समय हुआ था, और उसी को NRC कहा जाता है। अब जैसे ही ये CAA 2019 लागू हुआ, तो जो यहाँ घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, जिनकी पूरी पहचान नहीं है, चाहे वो भारत के नागरिक हैं बहुत समय से, लेकिन कागजात अधूरे हैं और उन पर एक तलवार लटकी रहती है कि हमें कभी भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने, मुस्लिम बहुल लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने इस CAA के खिलाफ एक माहौल तैयार किया, चाहे वो सच्चा है या झूठा, आप पूरी जानकारी लेंगे तो आपको उसकी पता चलेगा। तो उसके बाद फिर NRC और CAA के खिलाफ एक माहौल पूरे देश में पैदा हुआ, और दिल्ली में शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, लगभग 2 महीने तक चलता रहा, वहाँ दिल्ली को जाम किए रखा, लेकिन जब कोरोना पीक पर आया तो फिर उस आंदोलन को खत्म किया गया था। तो उन लोगों का ये कहना कि अब जो वर्तमान सरकार है, एक ही बहाने से मुसलमानों को बाहर निकालेगी, देश के पुराने रह रहे लोगों को निकालेगी, जबकि सरकार का कहना कि ऐसा नहीं है, हम केवल अवैध लोगों को निकालेंगे, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो इसकी कंट्रोवर्सी में आती हैं, और यही इसका बेसिक जो कंसेप्ट है। तो वहां के असम के और वो लोग कहते हैं कि NRC लागू की जाए और CAA भी लागू किया जाए, लेकिन दूसरे कहते नहीं। लेकिन अभी ये जो CAA एक्ट जो नया आया है, इसमें जो NRC है या जो अमेंडमेंट है, उसको असम और उन राज्यों पे लागू नहीं किया गया, उसको केवल शेष हिस्से के लिए रखा गया, यानी बहुत सारे पाकिस्तानी जो राजस्थान के हिस्सों में है, जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान से मिले जुले रिश्तेदारियों के कारण पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आए हैं, और उन लोगों की नागरिकता का मसला अभी तक लगा हुआ है, तो इसलिए राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में भी पाकिस्तान वाले लोग हैं, वो भी इसमें कवर होते हैं, वो भी खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल रही है, अफगानिस्तान से आए भी, और दूसरे जो हिंदू जैन सिख हैं वो भी खुश हैं, लेकिन वहां के रहने वाले लोग इसके खिलाफ हैं, खास करके मुस्लिम आबादी और असम की आबादी, क्योंकि उनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है, उनको इस 5-6 वर्ष की अवधि का फायदा नहीं मिल रहा, ये 5 वर्ष में नागरिकता मिलने वाला फायदा केवल 3 देशों से आए हुए लोगों को ही मिल रहा है, और उसमें भी हिंदू वो मुस्लिम आबादी या मुस्लिम धर्म शामिल नहीं किया गया है। इसलिए दूसरे लोगों का ये कहना है कि ऐसा नागरिकता अधिनियम है जो धर्म के आधार पर मिला है, तो ये भेद करता है, और इसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोई डिसीजन अभी आया नहीं है। तो ये हुए इसके बेसिक कंसेप्ट, अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, फ्यूचर इफेक्ट्स इसके CAA के क्या होंगे, जो आपका टॉपिक का हिस्सा है। तो यदि ये ईमानदारी से लागू किया जाएगा, तो फिर तो फायदा है कि आप ये एक सामान्य तौर पे देखें कि बहुत सारे
जो इलीगल नागरिक होते हैं किसी देश पर, वो एक तरह का बोझ होते हैं, क्योंकि वो उसको फायदा तो नहीं देते लेकिन उसके जो देश के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन पर वो हक जमाते हैं, उनका खर्चा उठते हैं और देश को खर्चा उठाना पड़ता है लेकिन उसका उसको फायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो देश के खिलाफ भी काम करते हैं और देश के हक में भी नहीं होते। और इस तरह से कंट्रोवर्सी भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, भाषाओं का भी होता है, धर्म का भी होता है, ये सारी चीज़ें, जैसे रोहिंग्या की एक बड़ी बड़ी समस्या इस वक्त पूरे वर्ल्ड में और खास करके हमारे आसपास के इलाके में बनी हुई है। तो ये इसके फ्यूचर इफेक्ट्स हैं कि यदि ये ईमानदारी से लागू हो तो किसको फायदा किसको नुकसान होने वाला है, इस चीज को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो जिस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है, ये एक आप देखते हैं कि सिटीजनशिप, इसको फिर एक बार ब्रीफ में हम लें कि इसकी आपको जो आपका क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो इस तरह से आएगा कि भारतीय की राज्य और नागरिकता क्या है, राज्य और नागरिकता में भेद कीजिए, यानी राज्य किसको कहा गया और नागरिकता क्या है, और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम में हुए ताजा संशोधनों को समझाइए और इसके प्रभाव और फ्यूचर इफेक्ट दीजिए। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको जो बताना है वो यही है कि राज्य की परिभाषा देनी है, सिटीजनशिप क्या होती है, लीगल स्टेटस होता है, और नागरिकता देने का जो काम है हमारा संविधान करता है, और उसके बाद जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसके आधार पर है, और जो ताजा संशोधन हुए वो क्या है, और ये जो है ये लीगल स्टेटस है ज्यूरिसप्रूडेंस के, जो आप आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो उस चीजें आपको देखते हुए इसको अच्छी तरह से समझते हुए, और एक एक चीज को आप इसको करने की 2-3 बार पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ें, इसको पढ़ें, थोड़ा डिटेल में पढ़ें, तो फिर ये चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो होप आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर। ओके, थैंक यू।